हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रंजना आज आपके सामने फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। आप सभी को नवरात्रि की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि की खुशी में आज जो मैं मंदिर आई हुई हूँ, वो भी कुनिहार के ताल के मंदिर पर। ये कुनिहार के ताल का शिव जी का मंदिर है। साथ में मेरे साथ मम्मी भी आए हुए। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये दान देव का मंदिर है। जो ताल का मंदिर है, मतलब ताल के ऊपर सभी मंदिर हैं। यहाँ पे सभी देव देवता हैं, इसलिए यहाँ के मंदिर को ताल का मंदिर कहते हैं। और साथ में यहाँ के पास में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। अंदर जाते हैं। और ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये नरसिंह देवते का मंदिर है। यहाँ पे जो है लड़कियाँ नहीं जाती अंदर। और ये शनि देव का मंदिर है। और ये हनुमान का। यहाँ पे जो है बहुत सारे मंदिर है, और उसके बीच में, मंदिरों के बीच में, मतलब पीपल का पेड़ भी है। ये शीतला माता का मंदिर है। ये जो है शीतला माता है, जो कि दिखाई दे रही है। और ये मंदिर राधा कृष्ण का है। ये कुछ ताल का नज़ारा है, ताल के मंदिरों का नज़ारा। यहाँ पे जो है बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे जो है वो मन्नत भी मांगते हैं। जो भी अपनी मन्नत होती है वो इसमें धागा बांधते हैं, और उनकी मन्नत पूरी ज़रूर होती है। यहाँ पे मतलब धागा बांधने से वो जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है।
यहाँ पे जो है वो हवन होता है। चलो कोई ना, अब चढ़ा लूंगे पानी। यहाँ पे तुलसी भी है, तुलसी माता का मंदिर। ये जो मंदिर है ये दुर्गा माता का मंदिर है। और ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये भी शिव जी का ही मंदिर है। अच्छा है मंदिर बना दो। अभी जो है मम्मी शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं। खत्म कर देंगे वे। ये जो दिखा हम बांधे स्टेडियम में मेरा ये ये कुछ ताल के आसपास का नज़ारा है। जो ताल का मंदिर है उसी के पास ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये एक क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं। यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए ये यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादातर। ये मंदिर के पास ही है। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट